हे हेलो दोस्तों, वेलकम टू घुमक्कड़ शहर। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार और आज हम लोग साथ में दर्शन करवाने हैं माँ मनसा देवी का। बहुत ही ये शक्तिपीठ है और ये बहुत ही सिद्ध जगह है देवी माता का। तो आज हम लोग साथ में मनसा देवी का दर्शन करेंगे। अभी दोस्तों मैं हनुमान घाट पर हूँ हरिद्वार में और हर की पौड़ी देख रहे हैं आप सामने। ये हर की पौड़ी है, ये हनुमान घाट है, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार घाट है। यहाँ पर बजरंगबली का एक प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत हनुमान जी है यहाँ पे। चलिए दोस्तों चलते हैं और सफ़र शुरू करते हैं, निकलते हैं माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी आनंद आने वाला है और बहुत ही अद्भुत ये होने वाला है सफ़र। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। हनुमान घाट से मनसा देवी द्वार की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है और हमने यहाँ से साइकिल रिक्शा लिया है और जनरली 20 रुपया किराया है। आपसे 30-40 मांगेंगे पर 20 रुपये में मान जाएंगे। और इस रूट पे सिर्फ साइकिल रिक्शा और ई रिक्शा ही अलाउ है। दोनों तरफ मार्केट है, ये आपको द्वार तक छोड़ देगा। दोस्तों मैं पहुंच गया माँ मनसा देवी प्रवेश द्वार और यहाँ से अब रिक्शे से उतर के पैदल का सफ़र है। 500 मीटर तक पैदल ही चलना है यहाँ से। ये मार्केट है मनसा देवी का। ये सामने आप देख रहे हो टिकट काउंटर है उड़न खटोला का। जो लोग उड़न खटोला जाते हैं वो यहाँ से टिकट लेते हैं मनसा देवी का आने जाने का। मैंने उड़न खटोला के लिए यहाँ से टिकट ले लिया। 129 रुपया दाम मेरे को पड़ा है आने जाने दोनों साइड का। और वाजिब रेट है, गेट नंबर 2 से एंट्री है उड़न खटोले के लिए और गेट नंबर 1 से एंट्री है पैदल चलने वालों के लिए। लेकिन मैक्सिमम लोग उड़न खटोले से ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि एक एडवेंचर भी हो जाता है और रेट भी वाजिब है, लोग जल्द पहुंच भी जाते हैं। यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होती है, ये वेटिंग हॉल बना हुआ है, यहाँ पर लोग अपने नंबर आने का इंतज़ार करते हैं। और मुझे भी बोला गया है कि आधे घंटे लग जाएंगे, तो चलिए यहीं बैठते हैं। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद हमारा नंबर भी आ गया और ये 21 मई 1981 से उड़न खटोले का सर्विस स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। और 4 लोग बैठते हैं इसमें, मेरे अलावा 3 लोग और हैं। ये जो नज़ारा है ना, ये देखने को नहीं मिलेगा नसीब नहीं। अरे इसको देखिए, इसमें डरना क्या है, इतना शानदार दृश्य है। ये सामने माँ मनसा देवी का मंदिर है और यहाँ से व्यू देखिए, इसका कितना अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ से। तो आप लोग भी उड़न खटोले से ज़रूर आइएगा यहाँ, उड़न खटोले का आनंद बहुत अलग है। पहुंच गए हम माता रानी के द्वार में और ये सामने प्रवेश द्वार है। एंट्री करके हम मंदिर के अंदर आ गए और काफ़ी अद्भुत द्वार है ये। माँ मनसा देवी के द्वार में जो भी सच्चे मन से आते हैं उनकी मुराद जो है वो ज़रूर पूरी होती है। आप देख रहे हो लाइन से लोग बांधे हुए हैं धागा, ये लोग अपने कुछ ना कुछ मुराद मन्नतें मांगे हैं उन्हीं का है ये, और ये पूरा भी होता है। लेकिन इसका एक और रूल है कि आकर आपको वापस खोलना भी होता है इसको। ये देख रहे हो सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी मन्नतें मांग रखे हैं, ये सब है, लेकिन इसको आके वापस खोलना भी होता है, ये रूल है। बाकी मैया सबकी इच्छा मनोकामना पूरा करती हैं। आप भीड़ देख रहे हो, बिलवा पर्वत पर बसी माँ मनसा देवी हरिद्वार के पंच तीर्थ में से एक हैं। तो आइए अब चलते हैं और माता का दिव्य दर्शन करते हैं।
दोस्तों नवरात्रि में मां मनसा देवी का बहुत ही नसीब वालों को दर्शन होती है, तो आपको हम दिव्य दर्शन करा रहे हैं। आप मन्नतें मांगिए, मैया जरूर पूरा करेंगी। बोलिए मैया जगदम्बे मां मनसा देवी की जय। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों ने मैया का अच्छे से दर्शन किया है, और मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। आप लोग वीडियो ये लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोग को ऐसे दिव्य जगह दिखाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। जय हिंद।